शादीशुदा और गर्भवती। ये तो यहाँ के लिए आम बात है। बचपन में ही पैदा होते ही इनके माता पिता इनके रिश्ता तय कर देते हैं और 9-10 साल में ब्याह। कोई अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कौन सी सदी में जी रहे हैं ये लोग? मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसी विश्वास के सहारे मैं डॉक्टर स्नेहा माथुर आज यहाँ हूँ। आसान नहीं था ये सफर मेरे लिए। मुंबई के बड़े अस्पताल की प्रैक्टिस छोड़कर यहाँ प्रतापपुर में बसने का फैसला। पहले मेरे सपने प्रतापपुर तक सीमित नहीं थे, इसीलिए मैं मुंबई चली गई। देश की सबसे बड़े डॉक्टर्स में अपना नाम शामिल करना था और वहां मेरी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन एक होनहार वकील था और प्यार की वकालत करने का उसका अंदाज कुछ और ही था। तो स्नेहा, जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तुम्हें ये करवा चौथ वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। तुमने तो मान लिया है ना कि मैं तुमसे ही शादी करने वाली हूँ। स्नेहा, नजर उठाओ, चारों तरफ देखो, तुम्हें मुझसे ज्यादा गुणी लड़का नहीं मिलने वाला है। अच्छा, तो और क्या चाहिए? तो मैं उंगली पे गिना सकता हूँ। इशार। ओके। फायदा नंबर एक, एक ऐसा लड़का जो दहेज ना मांगे। मांग के तो दिखाओ। ओके। फायदा नंबर दो, जिसके लिए बेटा हो या बेटी दोनों में खुशी। ठीक है। फायदा नंबर तीन, जो दो बच्चों में कम से कम 3 साल का फर्क रखता हो। मेरी बात मुझे ही सिखा रहे हो। ओके ओके। फायदा नंबर चार, जो घर चलाने में बीवी का पूरा सहयोग करे। ये अच्छा है। ये अच्छा है। ओके। फायदा नंबर पांच, जो किसी भी तरह का नशा ना करता हो, सिवाय डॉक्टर स्नेहा माथुर के प्यार का नशा। खुद के लिए हुए फैसले पर कोई मलाल नहीं होता। मुझे कुछ जीतना नहीं था, कुछ हासिल नहीं करना था, मुझे कुछ पाना था। वो था सुकून। और सुकून क्या होता है उसका अर्थ मैंने तब जाना जब प्रतापपुर के चैरिटी अस्पताल मानवता में कदम रखा। वो कदम किन हालात में रखा गया था आज भी सोचकर कदम कांपने लगते हैं। खून बहुत बह चुका था, हमने खून चढ़ाया, ऑक्सीजन देना पड़ा, क्लॉटिंग बहुत ज्यादा हो गई थी। हमारी सीमा बच नहीं पाई। मैं छुट्टियों में मुंबई से प्रतापपुर आई थी और यहाँ मेरी बहन के साथ ये हादसा हो गया। उसके ससुराल वालों को बेटे की ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश के जाल में उन्होंने सीमा की जिंदगी छीन ली। एक तरफ सीमा दीदी की अर्थी उठ रही थी और दूसरी तरफ सीमा के पति और डॉक्टर पाल ने साजिश के तहत मुझे गिरफ्तार करवाया। बिना उसके पति के परमिशन के बाहर ले जाती है। आपके इसी लापरवाही के कारण आपकी बहन की मौत हुई। यही सारा इल्जाम है आपके ऊपर।
वो लोग खुद फंस न जाए इस डर से सीमा के ससुराल वालों ने सारे इल्जाम स्नेहा पर लगा दिए। कौरी, इसके मुंह से तो खून निकल रहा है। देखिए, कौरी को अभी अस्पताल लेकर जाना होगा। मुझे साथ लेकर चलिए। हौसले की नैया से हर मुश्किल पार कर सकती हूँ। वो मुश्किल घड़ी भी पार की। थाने की सब इंस्पेक्टर गौरी को लेकर मैं जेल से मानवता पहुंची। शुक्र है समय पर मेरे वहां रहने से गौरी की जान बच गई। वो घरेलू हिंसा की शिकार थी। आप खुद तो काम नहीं करते हैं, हमें भी काम नहीं करने दे रहे हैं। कि आपको हम पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती है? तमीज से बात कर, समझी? पति है तेरा? पति है तो जानवर की तरह बर्ताव मत कीजिए। प्रतापपुर में अपने चारों तरफ ये सब देखकर मन कई सवाल करने लगा जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। क्या हुआ बच्ची? अरे उसका मर्द कमलेश चौधरी आदमी नहीं है, राक्षस है। राक्षस जबरन उसके साथ शारीरिक, अरे छोटी सी कली जैसे नाजुक बच्ची को मसल दिया। पति नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। आप, मैं इस बच्ची को बचा लूं। हम उस कमलेश चौधरी उसके मर्द को ना छोड़ेंगे नहीं। मेरा प्रतापपुर जाना बहुत जरूरी है, घर वालों को मेरी जरूरत है। तुम, तुम्हारा परिवार और तुम्हारी मजबूरियां, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं। मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, एक हफ्ते की ही तो बात है ना। छोटे इलाके के चैरिटी अस्पताल में काम करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। तीन दो दिन का खेल नहीं है ये। काम करने के लिए जिंदगी भर जुड़े रहने का दृढ़ निश्चय होना चाहिए, जो शायद आपके पास नहीं है। ऐसी हालत में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया, इस उम्र में उसका शरीर ये सब झेलने के लायक नहीं है। पर इतनी छोटी सी बच्ची, शादीशुदा और गर्भवती, ये तो यहाँ के लिए आम बात है। बचपन में ही पैदा होते इनके माता पिता इनके रिश्ता तय कर देते हैं और 9-10 साल में ब्याह। कोई अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कौन सी सदी में जी रहे हैं ये लोग? हम जो चाहें वो करें, हमारी मर्जी। लुगाई है वो हमारी, हमारा मन जैसे चाहें वैसे रखें। मोटा रकम देकर लाए हैं उसे, और तमाशा करने का कोई जरूरत नहीं है। तुम सबको दफा हो जाओ यहां से। अरे गर्भ से थी वो लड़की है, और उसका ख्याल रखने की बजाय दरिंदों जैसा व्यवहार किया तुमने। क्या हाल बनाया उस बच्ची का है? अरे हालत की बात तुम मत कीजिए, गरीबी से निकाले हम उसको। अगर हम उसको गरीबी से नहीं निकालते तो उसका बाप अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेता। मोटा रकम दिए थे तब उनका गरीबी मिटा है। एक नर्क से निकाल के दोबारा नर्क में डाल दिया, कहते परिवार को बचाया है, हैं? वाह कमलेश चौधरी वाह, अरे तुम्हारी गाथा तो पूरे गांव को सुनानी चाहिए। जाने से पहले एक बात कह देते हैं, दिमाग कान खोल कर सुन लो। अगर हमसे भिड़ोगे ना
तो किसी से भिड़ने लायक नहीं रहोगे तुम सब। जा रहे हम उसे अस्पताल से वापस लाने। कर लो जो तुम्हें करना हो। चौधरी आदमी नहीं है, राक्षस है। राक्षस जबरन उसके साथ शारीरिक छोटी सी कली जैसे नाजुक बच्चे को मसल दिया। आईवी एक्सेस फिर से चला गया। फिर से? सुमन, 12 साल की छोटी सी उम्र में सुमन की शादी कर दी गई और 14 साल में उसने दम तोड़ दिया। कारण, उसके पति का उसके साथ जबरन यौन संबंध, जो उसका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाया।
पता भी नहीं था कि वो 3 महीने पेट से थी। कैसे पता होता? बच्ची थी वो। छोटी सी उम्र में इन बच्चियों को दुल्हन बना दिया जाता है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? हमारी बरसों पुरानी चली आ रही प्रथा या कुछ और? आइए मिलते हैं सुमन के माता पिता से। हमको कुछ पता नहीं, जमीन कर्जे में था। अगर हम जमींदार के पैसे नहीं चुकाते तो हमारी चमड़ी उधेड़ देता वो। यानी कमलेश चौधरी ने आपके कर्जे के बदले सुमन से ब्याह किया है ना? छोड़ेंगे नहीं हमको, हमरा गला घोट के भी हमसे पैसे निकलवाएंगे। हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि पैसा देंगे तो देंगे कहाँ से, कैसे देंगे? हमारे अस्पताल में हर तीसरे दिन इस तरह के केसेस आते हैं। इतनी छोटी लड़कियां ये संबंध या बच्चे जनने के लिए तैयार नहीं होती। महिला मंडल के दबाव और मानवता अस्पताल के सहयोग से कम सुमन के पति को हिरासत में ले लिया गया। सुमन की कहानी से ये बात तो साफ जाहिर है कि सिर्फ प्रथा ही नहीं बल्कि और भी कारण है जिनकी वजह से माँ बाप छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर देते हैं। सुमन की कहानी में दोषी है गरीबी, बाल विवाह का एक बड़ा कारण। क्योंकि इस गरीबी के चलते सुमन के माँ बाप ने उसकी शादी उसकी उम्र से एक तिगने उम्र के अधेड़ व्यक्ति एक जमींदार के साथ की और नतीजा हम सबके सामने है। सुमन की तरह घूंघट में छुपी और भी कई मासूम जिंदगियां हैं जिनकी कहानी हम आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन सुमन की कहानी हम भूलने नहीं देंगे। एक बच्ची जिसकी उम्र पिता के कंधों पर बैठकर घूमने की होती है, उसके उन नाजुक मासूम कंधों पर गृहस्थी का बोझ डाल दिया जाता है। जिन बालों को कंघी से संवार कर माँ चोटियां बनाती है, उन्हीं बालों में मांग काढ़ कर सिंदूर भर दिया जाता है। बचपन को दी जाने वाली एक बहुत बड़ी सजा है बाल विवाह। इधर आ, मुंह खोल, आ। काले दांत, चल के दिखा है? रुक, इधर आ, पैर दिखा। गिन लीजिए, पूरे की पूरे 5 उंगलियां है। हाँ ठीक है, गिन लीजिए ना। हाँ ठीक है ना, इतनी सी छोरी इतना मुंह खोल रही। चल बैठ जा। रोटी सेकना नहीं आता, सब्जी बनाना नहीं आता, तो फिर क्या आता है? हमें तो बस पिट्टू और गिल्ली डंडा खेलने आता है। हमें कोई पिट्टू में हरा ही नहीं सकता है। हमने आज तक 20 लड़कों के सर फोड़े, कोई हमारे पिट्टू को छू नहीं सकता। निशाना दिखाए। सुनिए, कभी पिट्टू खेलने आना, ऐसा निशाना लगाइए। बाबूजी, ब्याह तय हो गया है तुम्हारा, आज रात ही ब्याह होगा। बेटी भी एक ऐसी ही बच्ची थी, उसने सपना देखा था स्कूल जाने का, आगे बढ़ने का, पर उसके माता पिता ने जबरदस्ती उसका बाल विवाह करा दिया। आ, 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 आ,
और विवाह के कुछ ही समय बाद वो बाल विधवा हो गई। उमर विधवा को क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपके बेटे को बचा नहीं पाए।